नमस्कार जोहार, मैं रितिका कुमारी और आप सभी देख रहे हैं नंबर वन न्यूज झारखंड बिहार। आप सभी का हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। चलिए आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर चलते हैं। भाजपा सरकार के इशारों पर कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई। इसके विरोध में आज महिला मोर्चा द्वारा भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया, क्योंकि झारखंड सरकार द्वारा बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, जो लड़कियों के सशक्तिकरण एवं उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो वर्तमान में झारखंड में लागू है, और महिलाओं के सशक्तिकरण एवं अंतिम पायदान की जो महिलाएं उपेक्षित और जरूरतमंद है उनके लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लागू हुआ और बहुत ही महिलाओं को इनका लाभ भी मिला। ऐसा नहीं है कि यह योजना सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के महिलाओं के लिए है, बल्कि यह योजना झारखंड के उन सभी महिलाओं के लिए है जो आज कहीं ना कहीं कुछ योजनाओं से वंचित रही है, और सभी पार्टियों की महिलाओं को यह लाभ मिला है और मिलने वाला भी होगा। तो फिर किस नज़रिए से यह रीट याचिका दायर की गई है और महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है? हम सभी महिला इसका घोर विरोध करते हैं और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे, पूरे झारखंड से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करेंगे, क्योंकि नारी शक्ति को ललकारने का काम भाजपा सरकार ने की है। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रमिला मेहरा, माला देवी, आसमा खातून, रूमा मरांडी, ममता देवी, आरती देवी, लीता देवी, रिंकी देवी, अफसाना प्रवीण, नीतू देवी, सोनिया देवी, भारती देवी आदि महिलाएँ शामिल थी, और इस कार्यक्रम में मेहताब मिर्जा, नूर अहमद, रॉकी शाहिद, सीताराम दास, उमा चरण दास आदि बहुत सारे लोग उपस्थित थे। हर खबर पर अब होगा सर। अगर आप लोगों को न्यूज चैनल अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।